प्यारे दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये है इन SMD कंपोनेंट्स के बारे में। इनको सरफेस माउंट कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टर है, ये दूसरे रेजिस्टर है, ये सब रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं, सरफेस माउंट हैं। जैसे कि मतलब इसमें ये किया जाता है कि PCB में सुराख नहीं निकाला जाता, बल्कि पैड्स बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर इस कंपोनेंट को, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक रजिस्टर को, ऐसे ही सरफेस के ऊपर ही सोल्डर कर दिया जाता है PCB के पैड्स के ऊपर। तो जिस साइड पे PCB के ट्रैक्स हों उसी साइड पे ही कंपोनेंट्स को सोल्डर कर दिया जाता है। इसमें कैपेसिटर्स भी आते हैं, रजिस्टर भी आते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ICs, माइक्रोप्रोसेसर्स, माइक्रोकंट्रोलर्स, सब कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंसेस हैं, तो इस रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका, इनको पढ़ने का तरीका, वैल्यू मालूम करने का तरीका और फिर मीटर पे टेस्ट करने का तरीका, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमें ये जो नज़र आ रहा है, ये वाला, मैं इसको अगर फोकस कर लूँ थोड़ा सा, तो ये देखें तो 150 इस पर लिखा हुआ है, 150 आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कोड है। अगले के ऊपर मैं देखूं तो यहाँ पे भी आपको 150 नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं उल्टा दूं, ऐसे पढ़ने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे भी 150 ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखूं तो 1R5 लिखा हुआ है, 1R5, ये वाला 1R5 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 684 लिखा हुआ है, 684 ये वाला। तो इसका ये एक मखसूस कोड है जिसका एक मखसूस मतलब है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब इस तरीके से बनता है कि अगर हम लिखें 150, पहले हम लिखते हैं 150, जैसा कि आपने देखा कि एक रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर लिखा हुआ था 150, ठीक है जी। इस 150 का मतलब ये है कि पहला वाला डिजिट 1, दूसरा डिजिट 5 और अगला डिजिट जो है इसके बराबर 0। सिफर, सिफर का मतलब है कि कोई सिफर नहीं, कुछ भी नहीं। एक, अगर यहाँ पे एक होता तो इसका मतलब होता 1-0, दो होता इसका मतलब 2-0, ठीक है जी। इस तरीके से इसको करते हैं, और साथ में ओम्स या आर, ओम भी लिखते हैं आर भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ, 15 ओम, 15 ओम्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो था वो 684 था, जैसा कि आपने देखा 684 था इस तरह से। अच्छा, 684 का क्या मतलब है, 6, दूसरा डिजिट 8, 6, 8 और इस 4 के बराबर 0, 1, 2, 3 और 4, इतने 0। यहाँ पे ओम की निशानी डालें या आर लिखें। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से नहीं लिखते कि 680,000 ओम, इस तरह नहीं बोलते, बल्कि इसको लिखते हैं, ये जो 3-0 हैं इसके बराबर के लिख लेते हैं, क्योंकि 1000 हो जाता है, 680 किलो ओम, 680 किलो ओम, ये बन गया, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास हो, एक और था 1R5, इस तरह की रजिस्टर थी 1R5 का मतलब होता है, ये R अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब है कि इसके बराबर, इसके इसमें एक इशारिया लगा देंगे और R इस तरफ चला जाएगा, यानी कहने का मतलब एक, ये वाला R में की जगह इशारिया लगाएं और ये 5 जो है वो सीधा 5 उतारें और R इस साइड पे लिख लें। मतलब हुआ 1.5 ओम, 1.5 ओम या 1.5 R या 1R5, इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब अगर एक और रजिस्टर आपके पास जो कि यहाँ पर नहीं है, आ गया 1K5 का क्या मतलब है, एक फिर इशारिया, के की जगह लगाएं इशारिया, इसके बाद 5 उतारें और के इस तरफ को ले जाएं, मतलब हुआ 1.5 किलो ओम। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब हम मीटर पे इसको टेस्ट करते हैं। मीटर पे टेस्टिंग का तरीका ये है कि अपना मीटर लीजिए, इसको ओम रेंज पे कीजिए, ये हमारे पास ओम रेंज है, यहाँ पर आउट ऑफ लिमिट्स शो कर रहा है क्योंकि प्रॉब्स जो हैं वो इस वक्त मिली हुई नहीं है, ओपन है, तो आपको आउट ऑफ लिमिट शो करेगा। प्रॉब्स मिलाते हैं तो ज़ीरो शो करेगा, ये देखें 0.4 या जो भी रीडिंग है, ये बहुत कम रीडिंग, ठीक है जी। ये अच्छा, अब हम इसको
पढ़ते हैं जो हमारे पास था 150 वाला, ठीक है जी, ये 150 लगा हुआ है, तो 150 को मैं टेस्ट करने लगा हूँ। 150 को टेस्ट करेंगे तो 15 ओम नज़र आएगा, 150 को टेस्ट करने से 15 ओम, देखिए 14 ओम आपको नज़र आ रहा है, 14 ओम 15 ओम एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, एक और 150 यहाँ लगा हुआ है, इसको भी 15 ओम देना चाहिए, 14.1 ओम आपको दे रहा है, 15 ओम के करीब है, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब 1R5 का जो है 1.5 ओम वो हम चेक करते हैं, 1R5 1.7, 1.8 कुछ दे रहा है, 1.7, तो 1.5 के करीब हो गया, 1.7, 1.5 एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है 684 वाला, ये 680 किलो ओम होना चाहिए, तो ये कुछ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, इसके पैरेलल में कोई कैपेसिटर है जिसकी वजह से ये मसला चल रहा है, बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है मेगा ओम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये इसके पैरेलल में कोई कैपेसिटर है जो कि चार्ज हो रहा है, तो ये होते होते 680 किलो पे आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमने इसको पढ़ने का तरीका सीखा। एक और यहाँ पे लगा हुआ है 474 का मतलब होता है 470 किलो, तो इसके भी पैरेलल में कोई कैपेसिटर नज़र आ रहा है क्योंकि ये चार्ज हो रहा है आपके सामने, ठीक है जी। तो ये चार्ज होते होते 470 किलो ओम तक पहुँच जाएगा, ठीक है जी। कुछ कैपेसिटर की भी वैल्यू इसमें आएगी और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये है, तो इसके पैरेलल में ज़रूर कोई कैपेसिटर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, ठीक है जी। ये था कुछ टेस्ट करने का तरीका, मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी कुछ इजाफा हुआ होगा सरफेस माउंट कंपोनेंट के हवाले से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको थम्स अप कीजिए और लाइक दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।